हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2019 के डेली करंट अफेयर्स क्विज। अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी नैना दुबे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, हम बात कर रहे हैं आज 5 जनवरी की करंट अफेयर्स पार्ट से। आप मुझे बताइए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की महिलाओं ने सबरीमाला विरोध के खिलाफ लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए 620 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई। एंड स्टैटिक से एक हिंट देती हूँ कि ये जो सारे अभ्यारण है ना, ये एक ही जगह के हैं। एंड अबोहर अभ्यारण, बीर ऐश्वरन अभ्यारण, बीर बुनेहरी अभ्यारण, बीर भातसन अभ्यारण, बीर दोशांस अभ्यारण, बीर गुरदयालपुरा अभ्यारण, ये किस राज्य में है। ठीक है, तो आज के बनते हैं 3 क्वेश्चन। एंड आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट में बताइएगा। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कि किस बैंक की CEO और MD शिखा शर्मा 31 दिसंबर 2018 को रिटायर कर गई, तो देखिए ये है एक्सिस बैंक की थी ये CEO और MD। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 2019 से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं होगा, तो यह है कतर। एंड किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। स्टैटिक से मैंने आपसे पूछा था कि कंजिया झील, अनसुपा झील, बाली मेला जलाशय, यह किस राज्य में पड़ता है, यह है उड़ीसा में। तो मैंने देखा था आप लोगों के मैक्सिमम के आंसर्स सही थे, आप इसी तरह कोशिश करते रहिए। और आज के जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किए हैं इसका आंसर्स देने को ट्राई करिएगा। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे नैना दुबे आप अगर सर्च करते हैं तो आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर पाएंगे नैना दुबे के नाम से। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज। और हमारा पहला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सीधी सी बात है, साइबर सुरक्षा को लेकर इन दोनों के देश के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा संबंधी घटनाओं की पहचान, हल और रोकथाम में अनुभव और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। ये मोरक्को के साथ हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन है ये मोरक्को। एंड मोरक्को के बारे में आप ध्यान दे सकते हैं, इनकी राजधानी है रबत, प्रधानमंत्री है सायदादीन उत्मानी, एंड यहाँ की मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण पूरा हुआ है। मतलब ये समझ लीजिए, सौभाग्य योजना जैसे कि हम जान रहे हैं इसके तहत पूरे राज्य में बिजली हो, ये चीज़ें हैं इसमें। और इसके तहत क्वेश्चन में बात हो रही है कि वो कितने राज्य हैं जहाँ पास 100%, मतलब उस राज्य में कोई भी एक घर बाकी नहीं है जिस घर में बिजली ना हो। तो ये है टोटल 25, ऑप्शन है हमारे ए 25। विद्युत क्षेत्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 25 राज्य में पूरी तरह से विद्युतीकरण पूरा हो गया है 100%। एंड देखिए, असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़, ये चारों बचे हैं जहाँ 10 लाख के करीब में घर बचे हुए हैं। तो इन 4 राज्यों को हटाकर 25 राज्य टोटल है जहां पूरी तरह से हर घरों में बिजली आ गई है। और ये कहा गया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने सबको बधाई देते हुए। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, याद रखना है 25 राज्य है। आप यहां देख पा रहे हैं सौभाग्य स्कीम जो थी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, ठीक है, जिसके तहत हर घर में बिजली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सौभाग्य रथ एक विशेष अभियान शुरू किया है। अब देखिए, सौभाग्य स्कीम की हम बात कर रहे थे, इसमें सौभाग्य रथ एक विशेष अभियान को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके तहत क्या होगा, इस रथ से इस पूरे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सभी गाँव कस्बों में ये रथ घूमेगा और पता लगाएगा कि किस घर में बिजली है या नहीं है। और मान लीजिए कि किसी घर की अगर बिजली करंट छूट गई है तो वहाँ वो बिजली प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ ही साथ 1912 एक नंबर दिया गया है, इस नंबर के तहत भी आप कॉल करके बता सकते हो कि हाँ हमारे घर में बिजली नहीं है और वहाँ कनेक्शन दे दी जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है सौभाग्य रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों को पॉलिसी और नवीनीकरण प्रीमियम देना शुरू किया। देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आंसर्स पुट कर दिया था व्हाट्सएप। इस क्वेश्चन में यही था कि भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और उन्होंने पहली बार ग्राहकों को पॉलिसी और नवीनीकरण प्रीमियम देने के लिए किस माध्यम का हेल्प लिया है। ये मैसेजिंग ऐप है, तो इसमें व्हाट्सएप है। आपके आंसर है ए व्हाट्सएप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका का कार्यवाहक उप रक्षा सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है डेविड नॉर्विस्ट। ऑप्शन है हमारे डी, डेविड नॉर्विस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा दूध की ताजगी का पता लगाने के लिए एक पेपर सेंसर विकसित किया गया है? मतलब इस IIT के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक पेपर सेंसर विकसित किया है, जिसके तहत क्या होगा? देखिए, ये एक साधारण सी पेपर किट है जिससे ये ताजगी बता देगा कि ये दूध कितने दिनों की है या बासी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें कितने सारे पॉइस्चर जो जितने भी है वो मिले हुए हैं, वो सारी चीज़ें इस पेपर सेंसर की मदद से पता चल जाएंगी। तो ये IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन है हमारे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में चौथे टेस्ट मैच में पहले दिन में 19,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये है विराट कोहली, ऑप्शन है हमारे विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान जिसने मनीला में फिलीपींस के बिकॉल क्षेत्र में तबाही मचाई है, देखिए वहाँ एक तूफान आया है जिससे भारी बारिश हुई है और घातक भूस्खलन हुई है, तो ये तूफान का क्या नाम है? इसे उस्मान कहा जा रहा है, ऑप्शन है हमारे ए उस्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने दुलाई थाबी बैराज परियोजना आरंभ किया है? तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दुलाई थाबी जो बैराज परियोजना आरंभ की गई है ना, ये मणिपुर में की गई है, ऑप्शन है हमारे बी मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है या मनाया गया है? तो देखिए, ये हमने मनाया है 4 जनवरी को, ऑप्शन है हमारे बी 4 जनवरी, और संयुक्त राष्ट्र ने 4 जनवरी को पहला ये ब्रेल दिवस मनाया है, और ये वर्ल्ड का पहला, जैसे मैंने कहा कि पहला वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया गया है, इसका उद्देश्य है कि ब्रेल के महत्व को बढ़ावा देना। जितने भी दृष्टिबाधी, मतलब जो देख नहीं पा रहे हैं, दृष्टिबाधित और आंशिक रूप से जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं ना, उनके मानवाधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करना है, तो इस उद्देश्य से हमने ब्रेल दिवस को सेलिब्रेट किया है 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण द्वारा किस पदार्थ में खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग पर रोक लगाई गई है? मतलब हाँ, जितने भी खाने के सामान होंगे उससे अब इस वस्तु में पैक नहीं होगा, तो ये है अखबार, ऑप्शन है ए, जितने भी खाद्य पदार्थ होंगे अब वो अखबार में पैक नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार किस कक्षा तक नो डिटेंशन नीति वापस लेने संबंधी विधेयक को संसद में पारित किया गया है? अब इस क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में समझा दूं, पहले तो मैं क्लास बता दूं कि क्लास 8 तक की नो डिटेंशन नीति को वापस ले लिया गया है और इसे संसद में पारित किया गया है, तो ऑप्शन है हमारे सी क्लास 8। देखिए, ये जो RTI संशोधन है, इसमें 3 जनवरी को, जैसा कि मैं, संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2018 पारित किया। इसमें संसद ने स्कूल में जितने भी अनुत्तीर्ण होते हैं बच्चे, मतलब वो फेल हो जाएं, उस स्थिति में बच्चों को उसी कक्षा में रोकना है या नहीं रोकना है, इसका अधिकार राज्य को दे दिया। और इसमें इन्होंने ये कहा कि कक्षा 8 तक के बच्चों को नहीं रोका जाएगा, RTI के नए रूल्स के मुताबिक कक्षा 8 तक के स्टूडेंट को नहीं रोके जाएंगे, तो ऑप्शन है सी क्लास 8। एंड प्राइमरी स्कूल में ये भी कहा गया है कि री एग्जाम्स ले सकते हैं, मान लीजिए उस क्लास में वो फेल हो जाते हैं तो फिर से उनकी री एग्जाम्स भी हो जाएगी, तो कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए इस नियम को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को किस 21वें वार्षिक उत्सव के लिए खोला गया है? तो ये जो 21वां वार्षिक उत्सव मनाया है, जिसके लिए केरल के सबरीमाला मंदिर को खोला गया है, इसका नाम है मकर विलक्कू, ऑप्शन हो जाते हैं हमारे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट शतक जड़ने वाले पहले एशियाई विकेट कीपर के तौर पर रिकॉर्ड बनाया है और इनका नाम है ऋषभ पंत, ऑप्शन है हमारे ए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पाकिस्तान सरकार ने पेशावर स्थित पास सरोवर वाले किस प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया है? मतलब ये समझ लीजिए कि एक प्राचीन हिंदू धार्मिक मंदिर है, स्थल है, जो राष्ट्रीय विरासत घोषित हो गई है, और ये है पंज तीरथ, ऑप्शन है हमारे सी पंज तीरथ। एंड देखिए, इसमें क्या बातें हुई हैं कि पंज तीरथ, वहाँ पर जो मौजूद पानी के 5 कुंड है उनसे मिलाकर इसका नाम पंज तीरथ पड़ा है। इसमें खजूर का एक पेड़ है, इसके साथ एक मंदिर और एक मैदान शामिल है, और पंज तीरथ, ये याद रखना है कि वहाँ 5 पानी के कुंड है जिसके तहत इसका नाम पंज तीरथ पड़ा है, ठीक है। तो पाकिस्तान सरकार ने इसे राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया है, ऑप्शन हो जाते हैं हमारे सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस विद्यालय के छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है? तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए आत्महत्या की घटनाओं की जांच के लिए समिति का गठन किया है, ताकि मान लीजिए आत्महत्या की कोई समस्या आती है तो उसका जांच करेंगी ये समिति। और इस समिति के जो नेतृत्व करेंगे ना, उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, ठीक है। और ये किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। ऑप्शन जाते हैं हमारे ए, नवोदय विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया रीइंश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, ये जैसा कि हम जान रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने अभी अभी इस एक्ट पर साइन किया है। इसके तहत देखिए, भारत प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा, आर्थिक हित और जितने भी मूल्य हैं उनको बढ़ाने के लिए ये एक अमेरिकी रणनीति स्थापित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, और ऑप्शन है हमारे ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आप यहाँ देख पा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पूर्वी सियांग जिले ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण हासिल किया है? जैसे कि मैं बात कर ही रही हूँ, अगर राज्य की बात की जा रही है कि हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं जहाँ पास उन्होंने कितने राज्यों में 100% बिजली दे दी गई है, तो ये है 25 स्टेट्स है जहाँ ऑलरेडी बिजली दे दी गई है, ठीक है। और यहाँ बात हो रहा है वो कौन सा राज्य का जिला है जहाँ, ये समझ लीजिए कि उस जिले में 100% विद्युतीकरण हो गई है, ठीक है। तो ये जिला है पूर्वी सियांग, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो गए हमारे सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का उद्घाटन किया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का उद्घाटन किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ऑप्शन है हमारे ए, हरदीप सिंह पुरी। एंड देखिए, आवास और शहरी मामलों के ये मंत्री हैं, और इसमें 4000 शहरों के 40 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा इस सर्वेक्षण 2019 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंड द लास्ट वन, उर्वरक रसायन एंड उर्वरक मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो देखिए, ये संभाला है छबिलेंद्र राउल ने। ऑप्शन है हमारे बी, छबिलेंद्र राउल, और इन्होंने रिप्लेस किया है भारती एस सिहाग को। देखिए, ये 31 दिसंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो 31 दिसंबर को ये अपने पद से रिटायर हो गई थी। इसके बाद छबिलेंद्र राउल जी को उर्वरक रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1985 के आईएएस रह चुके हैं पंजाब कैडर से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 5 जनवरी 2019 के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।